दोस्तों आप सभी का फिर से वेलकम है हमारे YouTube चैनल लेट्स कोड पे। कोड करे बिना डरे दोस्तों, आज मैं दो सर्टिफिकेट के साथ आ चुका हूँ। दोस्तों पहला सर्टिफिकेट आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, बेसिक ऑफ हॉस्पिटल प्रोसीजर का सर्टिफिकेट आप लोग को मिल रहा है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट है। दोस्तों दूसरा सर्टिफिकेट आप लोग देख सकते हैं, बायोलॉजी का सर्टिफिकेट है यहाँ पे। तो दोनों सर्टिफिकेट को लेके दिखाऊंगा, आप लोग वीडियो के साथ यहाँ पे बने रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल लेट्स कोड को, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को इसी तरह नई नई सर्टिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन, कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन, वेबिनार क्विजेस, इंटर्नशिप की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी, जहां से आप लोग ये पेज पे डायरेक्टली आ जाएंगे। दोस्तों आने के बाद दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग को ये फॉर्म क्लोज दिखता है तो आप लोग नेक्स्ट डे आके फिर से ट्राई आउट कीजिएगा। जो पहला हम लोग सर्टिफिकेट कलेक्ट करेंगे वो बायोलॉजी का सर्टिफिकेट है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप लोग का फॉर्म क्लोज दिखता है तो नेक्स्ट डे आके आप लोग फिर से ट्राई आउट कीजिएगा। नेक्स्ट डे फिर से ये फॉर्म रीओपन हो जाता है। गूगल फॉर्म का क्राइटेरिया रहता है एक दिन में कुछ ही फॉर्मों को एक्सेप्ट करना। तो बाय द वे अगर फॉर्म क्लोज भी दिखता है तो आप लोग नेक्स्ट डे आके फिर से ट्राई आउट जरूर कीजिएगा। फिर आने के बाद दोस्तों यहाँ पे ईमेल एड्रेस अपना अच्छे से फिलअप करना है, फिर अपना यहाँ पे नेम लिखना है एंड अपना नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अपना कॉलेज का नाम डाल सकते हैं आप लोग। फिर अपने यहाँ पे जेंडर चूज कर लेना है, फिर अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे पुट अप कर देना है। फिर एक एक करके हम लोग सारे आंसर को देखेंगे और सर्टिफिकेट को कलेक्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्पाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है द स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन आप लोग का फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा, सेल्वरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट डज नॉट इंक्लूड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सोयल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलन ग्रेन्स इन प्लांट आर प्रोड्यूस्ड इन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, पोलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट दैट ग्रो अंडर एवरेज टेम्परेचर आर मॉइस्चर आर कोल्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ बोन्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सिक्रेशन ऑफ अ हार्मोन फॉर कैल्शियम रेगुलेशन इन अ ब्लड एंड बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन कैन बी प्लेस बाय, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है माइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट हाईली इंटेलिजेंट मैमल्स आर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक सेल लैक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस फास्टर इन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वाइट लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदर देन सेपरेटिंग मलेरिया एनोफ्लेस मॉस्किटोज आर ऑल्सो वैक्टर्स ऑफ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड वाला ऑप्शन, गम्स। दोस्तों आगे का आंसर बताने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे इंस्टाग्राम कम्युनिटी से नहीं जुड़े तो अभी जुड़ जाइए। दोस्तों जो चीज़ मैं यूट्यूब पे शेयर नहीं कर पाता हूँ वो इंस्टाग्राम पे भी शेयर करता हूँ, और अगर आप लोग को कोई डाउट है या कुछ भी पूछना है तो आप लोग DM भी कर सकते हैं डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहां से आप लोग हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करके एंड वहां पे भी ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं एंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बाय द यूनियन ऑफ फर्टाइल एंड यूट्रेन टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, पोटैटो इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, एंड इसका करेक्ट ऑप्शन ब्लड प्लेटलेट्स होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया इज कनेक्टेड विथ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, एंड इसका करेक्ट ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन है। एंड फिर आप लोग को यहाँ पे सबमिट कर देना अपना क्विज को। क्विज को जैसे सबमिट करते हैं आप लोग व्यू स्कोर करके अपना स्कोर भी चेकआउट कर सकते हैं, और आप लोग का स्कोर जो रहने वाला है दोस्तों वो आप लोग का यहाँ पे देख सकते हैं 20 out of 20 आएगा। एंड फिर आप लोग को मेल चेक करना, मेल पे सर्टिफिकेट आप लोग को विद इन 2 मिनट भेज दी जाती है। अगर इनके सर्टिफिकेट नहीं आते तो आप लोग वेट कर सकते हैं 48 आवर, अगर फिर भी नहीं आती है तो आप लोग फिर से रीअटेम्प्ट कर सकते हैं इस क्विज को, एंड कुछ इस तरह का आप लोग सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकते हैं। बायोलॉजी का सर्टिफिकेट आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप लोगों को कुछ इस तरह का यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलता है।
तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग दूसरे जो क्विज है उसको कंप्लीट करते हैं। एंड जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ये देख सकते हैं यंग रिसर्च फोरम के तरफ से जो सर्टिफिकेट आप लोग को मिल रही है, वेरीफाइड सर्टिफिकेट, यहाँ पे QR कोड भी दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग। तो वेरीफाइड जो सर्टिफिकेट है उसको भी हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, उसका भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर ये भी फॉर्म आप लोग को क्लोज दिखता तो आप लोग नेक्स्ट डे आके फिर से ट्राई आउट कीजिएगा, नेक्स्ट डे फिर से ये फॉर्म रीओपन हो जाता है। एंड फिर आप लोग ईजिली यहाँ पे फिर सारे चीज़ फिलअप कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस अपना फर्स्ट ऑफ ऑल फिलअप करना है, फिर अपना नेम यहाँ पे अच्छे से फिलअप करना है, अपना कॉलेज का नाम, डेट में आज का डेट डालेगा मीन जिस दिन आप लोग क्विज को अटेम्प्ट कर रहे हैं उस दिन का डेट, फिर अपना जेंडर यहाँ पे चूज करना है, फिर एक एक करके आंसर हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द अथॉरिटी ऑन लेइंग द गाइडलाइंस फॉर रेडियो एक्टिव एक्सपोजर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एटोमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द लीड जैकेट दैट इज मेंटेन्ड फॉर एक्सरे प्रोसीजर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन 0.25 mm. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन इज अलाउड टू डिसअलाउ ए सर्जरी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट केसेस कैन द मेडिकल डाटा ऑफ ए पेशेंट बी डिस्क्लोज? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इन केस ऑफ लीगल इश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, एज पर जनरल नेचर द रिसर्चर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द मैरीलैंड एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ द जियोफिजिक्स एट ETH जो रच फाउंड 337 एक्टिव वॉलेंकिक स्ट्रक्चर ऑन विच प्लैनेट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड द मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट COVID-19, इट वॉज नेम्ड एज? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ASRAE। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ग्रुप विच हैज लॉन्च द जेनेरिक फेविवर इन इंडिया अंडर द ब्रांड फेविविरी इन इंडिया टू ट्रीट COVID-19 इन्फेक्टेड पेशेंट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लास्ट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर, इसका करेक्ट ऑप्शन भी लास्ट वाला ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द IIT एलुमनी काउंसिल साइंड एज एन एग्रीमेंट फॉर जॉइंट रिसर्च ऑन COVID-19 एंड पेशेंट डाटा एनालिसिस विथ विच इंस्टीट्यूट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ COVID-19 वैक्सीन डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कोवैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज AMC? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कलर कोड इज यूज्ड फॉर ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कैरेटिक अरेस्ट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द SABIC केमिकल प्लांट इन विच कंट्री सेट टू बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट लार्ज स्केल केमिकल प्रोडक्शन प्लांट टू कंप्लीटली रन ऑन रिन्यूएबल पावर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट मैन होल क्लोथिंग रोबोटिंग इनोग्रेशन इन गुवाहाटी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज लॉन्च्ड ए मोबाइल ऐप लाइफ्स फॉर डिटेक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट रिस्क असेसमेंट ऑफ ए COVID-19 इन्फेक्टेड इंडिविजुअल? तो इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड विच कंपनी ज्वाइन हैंड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ COVID-19 वैक्सीन कोल्ड कोवैक्सीन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है भारत बायोटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया हैज बीन नेम्ड एज द मेंबर ऑफ एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ग्रुप टू ऑफर फॉरमोस्ट साइंटिफिक एविडेंस फॉर अ सस्टेनेबल फूड सिस्टम फॉर अ ग्लोबल फूड समिट 2021? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है प्रोफेसर रतन लाल एंड उमर लेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द रेडियो एक्टिव डिवाइस मोस्टली केप्ट? तो उसका करेक्ट ऑप्शन इन द बेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फॉर्म मस्ट बी फिल्ड बिफोर स्टार्टिंग ए सर्जरी? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है SF-522। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑथोरिटी सेट्स द स्टैंडर्ड फॉर हॉस्पिटल इन इंडिया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है NABH। फिर आप लोग को सबमिट कर देना है, सबमिट कर देने के बाद आप लोग व्यू स्कोर भी कर सकते हैं और अपना स्कोर को चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। आप लोग का स्कोर जो रहने वाला है वो 20 out of 20 रहने वाला है। फिर आप लोग को मेल चेक करना है, मेल पर सर्टिफिकेट आप लोग को विद इन ए 2 मिनट आ जाती है। इनकेस नहीं आती तो आप लोग वेट कर सकते हैं 48 आवर और फिर आप लोग कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं। होप करता हूं दोस्तों ये दोनों सर्टिफिकेट आप लोग कलेक्ट कर चुके होंगे एंड कलेक्ट कर लेते तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी सर्टिफिकेट को कलेक्ट कर पाए। तो दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सर्टिफिकेशन कुछ नए कोर्सेज के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।